I don't. मौसम काफ़ी सुहाना है क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह तक भी बारिश होगी तो क्रिस स्कूल नहीं जा पाएगा, बट क्रिस तो स्कूल जा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा राजी ब्लॉग्स। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग प्लीज को देख सकते हो ये कितना बदमाशी कर रहा है और अभी तक ये सोया नहीं है। शाम के 5 बज रहे हैं, मैं इसे बहुत सुलाने की कोशिश की बट ये नहीं सोया। अच्छा ही है ना सोई क्योंकि इसको नेक्स्ट डे स्कूल जाना है तो इसका टाइम से सोना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और पूरा घर आप लोग देख सकते हो पूरा मैसे सा लग रहा है क्योंकि क्रिस पूरा दिन सारा खिलौना और ये कुछ कुछ जो सामान है वो सब पूरा इधर उधर कर देता है, तो जिसके वजह से मुझे बार बार वो चीज़ समेटना पड़ता है। तो फिर ये अभी सो जाए, उसके बाद मैं वापस से फिर से समेटूंगी। सो गाइज, इस बर्थडे पे क्रिस को मिले हैं काफ़ी सारे गिफ्ट्स, जो सारे गिफ्ट्स हैं जो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ किसने क्या गिफ्ट्स दिया है। तो इस ब्लॉग पे बने रहे, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। क्रिस, होमवर्क के टाइम में तुम क्या कर रहे हो? क्रिस, मामी मामी, हाँ क्या हुआ? एप्पल नहीं, अभी ये सब नहीं पढ़ना है, अभी होमवर्क का टाइम है, होमवर्क कर। मामा, कोई एक है, ए देखो ए, कोई एप्पल, कोई एप्पल, ये देखो एप्पल, बॉल के बॉल, ये देखो बॉल, एफएन का एफएन। तुम मुझे मेरे टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट मत करो, होमवर्क करो। बी को बी, बी नहीं, अभी अभी होमवर्क, स्कूल को होमवर्क करो। एवरीवन, मैं अभी नहा चुकी हूँ, मैंने कर लिया है चेंज और मैंने पहना है ग्रीन क्योंकि आज पहला सावन है, पहला सोमवार है तो आज तो ग्रीन पहनना बनता है और ये न्यू है तो मैं सोची कि चलो आज के ही दिन स्टार्ट करते हैं। जब कोई अच्छा दिन होता है ना तो मुझे न्यू पहनना अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने पहन लिया है। और अभी शाम के 6 बजने वाले हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस टाइम पर क्यों नहाई हूँ। मैं सुबह भी नहाई थी बट सुबह मैं काफ़ी हड़बड़ी थी इसलिए मैंने ये वाला जो ड्रेस था ये नहीं पहना, तो मैं अभी पहन ली, कोई बात नहीं। तो आज तो है ही सोमवार, चलिए, मुझे याद नहीं था ये वाला कि मैंने, मेरे पास कुछ ग्रीन कलर का इस तरह का कुछ है। तो अभी का मौसम लोग देख सकते हो। सो गाइस, आ गया है पानी पूरी, मेरा फेवरेट, बहुत टाइम से खाने का बहुत मन कर रहा था तो हस्बैंड आ गए घर। अनिरुद्ध, 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 क्या है? वो सूखा कुछ खा रहा है, उसे भी पसंद है बट सूखा क्योंकि वो अभी छोटा है तो वो तीखा वाला खा नहीं सकता, इसीलिए वो ऐसे वो सूखा वाला खाता है। गुड बॉय। ए फॉर एप्पल, बी फॉर वा, सी फॉर कैट, डी फॉर duck, E for apple, F for pig, G for goose, G for bat, S for hen, I for ice, J for goose, K for kite, L for monkey, L for lotus, what is lotus? Lion. Lion. M for monkey. Next. M for monkey. N for next. O for orange. P for peacock. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. T for chocolate, me heat. T for tap. Tap. U for umbrella. B for bye. X for sun. Y for yaka. Z for jelly. Hi guys. मैं स्कूल जा रहा हूँ।
स्कूल ड्रेस में मैं स्कूल जा रहा हूँ। सो गाइस क्रिस अभी स्कूल जा रहा है और ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे का। कल रात को मैं उस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और अभी सुबह का टाइम है तो बारिश छूट गई है। रात को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। चलो खोलो खोलो, इधर आ इधर आ। आराम से। आ जाओ। मौसम काफी सुहाना है क्योंकि कल रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि सुबह तक भी बारिश होगी तो क्रिस स्कूल नहीं जा पाएगा, बट क्रिस तो स्कूल जा रहा है। बाय क्रिस। देखो इधर, देखो देखो इधर देखो। तो हबा दो इधर इधर इधर, मेरे को दो मेरे को दो, इन लोगों को भी दे दो। बोल दो बाय गाइस। बाय गाइस। क्रिस चला गया है अपने स्कूल और जो हमारी जो मेड है काम वाली दीदी है वो दो दिन दिन जा नहीं रही है और अभी और कुछ दिन नहीं आने वाली है, तो मुझे करना है अभी घर का सारा काम, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। गाइस हो गया अभी ब्रेकफास्ट का टाइम और मैं बना रही हूँ मूंग दाल के चलिए मैं अपने पति देव को देने। गाइस ये नेक्स्ट डे है और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं नहा करके और क्रिस आज स्कूल पूरा नहीं हुआ, क्रिस का स्कूल पूरा नहीं हुआ क्योंकि वो आज स्कूल में बहुत रो रहा था तो उसके पापा एक दो घंटे भी इसको ले आए थे। क्यों ऐसे कर रहे हो क्रिस, स्कूल में पढ़ना चाहिए ना। नो नो, फोन नहीं 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 फोन नहीं। फोन नहीं फोन। सो गाइज अभी मैं दिखाने वाली हूँ आप लोग को क्रिस के बर्थडे पे उसको क्या क्या गिफ्ट मिला है और किसने क्या दिया है वो सब मैं आप लोग को अभी मैं दिखाने वाली हूँ। और आप लोग देख सकते हो पीछे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो बारिश काफ़ी तेज हो रही है अभी, तो मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ सारा गिफ्ट मैं और क्रिस, क्रिस को क्या क्या गिफ्ट मिली है। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ क्रिस के कपड़ों से कि उसे कितने कपड़े मिले हैं उसको बर्थडे में, क्योंकि ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं था तो बस कुछ ही गिने चुने हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्रिस के कपड़ों से, तो सबसे पहले इसकी नानी से स्टार्ट करते हैं कि इसके नानी ने इसे को जो है कपड़े दिए हैं। तो उसके नानी ने इसे 3 सेट कपड़े दिए हैं समर को देखते हुए। उस ना मेरी माँ ने मुझे पूछा था कि इसको कैसे कपड़े दूँ क्या दूँ, तो मैंने कहा कि पार्टी वेयर तो बिल्कुल ही मत दो क्योंकि अभी इतनी गर्मी में वो पहन नहीं पाएगा, तो उसको समर को देखते हुए तो उसकी नानी ने सबसे पहला ड्रेस ये वाला दिया है, ये वाला जो कि ये वाला कलर उसके पास है नहीं तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा उस पर। तो ये आप लोग देख सकते हो पूरा कपड़ा है ये वाला और उसके साथ ये वाला शॉर्ट्स है। क्रिस मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है ब्लॉग बनाने में। और दूसरा ये है जो कि ये पहन चुका है बर्थडे में, आप दो ब्लॉग में देखिएगा पिछले ब्लॉग में, ये अंदर में जो ये टी शर्ट पहना हुआ है यही वाला पहना हुआ था। तो और इसके साथ जो है ये पैंट है ये अभी इसने नहीं पहना है। एक सेकेंड क्रिस। तो और तीसरा जो है ये वाला टी शर्ट है आप लोग देख सकते हो बहुत प्यारा सा लाइनिंग लाइनिंग, ये मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा ये वाला। और उसके साथ ये शॉर्ट्स है। तो ये जो 3 ड्रेस है ये उसकी नानी ने दिए हैं। उसके बाद दूसरे में आ जाते हैं उसकी जो बड़ी फुआ है, तो उसने क्या क्या दिया है। बड़ी चाचा
तो ये वाला जो फर्स्ट ड्रेस है आप लोग देख सकते हो, ये टैग जूडियो का है क्योंकि जब हम लोग टाटा गए थे तो जूडियो से खरीदे थे, आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही था। और ये वाला जो ड्रेस है वो क्रिस की बड़ी फुआ ने दी है, यानी बड़ी पीसी ने, जब हम लोग टाटा गए थे। और इसके अंदर ये शॉर्ट्स भी है। तो ये वाला जो फर्स्ट ड्रेस है, और दूसरा जो है ये वाला शर्ट जो क्रिस ने बर्थडे के दिन स्कूल में पहना था उस दिन, तो ये वाला दूसरा शर्ट है, ये भी काफ़ी प्यारा है और ये मेरे ही चॉइस का है तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये जो दो ड्रेस है वो क्रिस के पीसी ने दिया है। और पढ़ते हैं तीसरे कपड़े की ओर, ये लास्ट है। ये वाला जो ड्रेस है ये क्रिस के भैया ने यानी मोहित दादा ने दिया है। ये वाला कपड़े आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा ही है, बर्थडे ब्लॉग में, उसी टाइम मोहित ऊपर आके ये वाला ड्रेस दिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ये वाला एक हाफ शर्ट और ये एक जीन्स शॉर्ट्स है, ये भी काफ़ी अच्छा है समर को देखते हुए। तो ये हो गया क्रिस के कपड़े ख़त्म, क्योंकि पता ही है ज़्यादा लोग तो आए थे नहीं, तो बस देखने थे वो ख़त्म है। अब मैं क्रिस का जो भी है उसका खिलौना वगैरह जो लोग दिए हैं वो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये वाला है सबसे फर्स्ट गिफ्ट, ये वाला आप लोग देख सकते हो, रेड कलर का थार, इसमें यहाँ पे थार लिखा हुआ है। और ये इसके पास वाइट कलर का ऑलरेडी, अगर आप लोग पिछले कुछ ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा उससे वो खेल रहा था। तो ये वाला उसके पास बहुत पहले ही है, बहुत पहले हम लोगों ने खरीद लिया था, और बट वो वाइट कलर का है। तो ये वाला जो है ये वाला रेड कलर का उसकी दीदी दी है। तो थैंक मामोन क्रिस को ये वाला सुंदर सा कार देने के लिए, दो कलर का उसके पास ये वाला सेम कार हो गया, तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा खेलता है अभी। और दूसरा जो है ये वाला है येलो कलर का लैम्बोर्गिनी, जो इसके राकेश भैया ने दिया है और भाभी ने दिया है, और उसकी प्यारी सी बिटिया लाडो रानी क्रिस उठो, तो लाडो रानी, और इससे भी वो काफ़ी खेलता है। ये एक्चुअली इसका भी बहुत फेवरेट कार हो गया है, हमेशा बोलता रहता है कार 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 का मीन्स ये होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, थैंक यू राकेश, थैंक यू पिंकी, थैंक यू लाडो। नेक्स्ट खिलौना की ओर बढ़ते हैं, तो ये वाला है नेक्स्ट, और ये से क्रिस बहुत ज़्यादा खेल लिया है, और ये देख सकते हो कैसा कर दिया है एकदम। और इसके साथ ना वो काफ़ी अच्छा सा पूरा ऊपर में अल्फ़ाबेट एक एक करके सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट लगे हुए थे, जो क्रिस सारे इधर उधर कर दिए, तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। और इसके साथ एक मार्कर भी दिया हुआ था। तो सो गाइज़ ये वाला गिफ्ट जो है इसके संदीप भैया ने दिया, तो थैंक यू संदीप ये प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए क्रिस को। तो ये इसका काफ़ी यूज़फुल होता है, इसमें ये काफ़ी कुछ सीख पाता है, लिख पाता है, तो ये काफ़ी अच्छा से ये यूज़ कर रहा है, काफ़ी पुराना भी कर दिया, आप लोग देख सकते हो पूरा ये लिख लिख के सब, ये सब मार्कर भी शायद पता नहीं कहाँ है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर, तो ये जो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये वाला रोबोट वाला कार जो इस तरह रोबोट हो जाता है और ये वाला बैटरी से चलता है, और ये भी क्रिस के पास ऑलरेडी है, और ये दिया है उसके भोला भैया छोटिया दीदी ने। तो थैंक यू भोला, थैंक यू छोटिया, ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट देने के लिए क्रिस को, बट ये ऑलरेडी इसके पास है और वो डैमेज भी हो चुका है, बट फिर भी हम लोग इसे अभी ओपन नहीं किया, वरना इसे भी अभी खेलने लगेगा और इसे पुराना कर देगा, तो वो अच्छा से वो खेल ले, डैमेज तो ही गया पहले वाला, बट वो अच्छा से उसे खेल ले और कुछ दिन, उसके बाद ये वाला उसे खोल दूँगी, क्योंकि ये अभी न्यू है तो इसे रख देती हूँ कुछ देर के लिए। तो ज़्यादातर खिलौना है जो उसके पास है, क्योंकि पता ही है वो काफ़ी साल बाद हुआ है, और बहुत टाइम बाद जब बेबी होता है तो एक फीलिंग जो है हम लोग के लिए कि उसको जो भी चाहिए वो सब कुछ देना है, तो वो वाला चीज़ उसके पापा जितना भी खिलौना है जो भी दिखता है उसके लिए वो लेकर आ ही जाते हैं, तो ये सिमिलर होना बनता है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो हम लोग बाद में नहीं खरीदेंगे, जब वो डैमेज कर देता है तो फिर वापस, बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो सेम खिलौना हम लोग वापस उसके लिए लेकर आए हैं, तो सो इससे भी कोई बात नहीं, उसके ये सारे काम आने वाले हैं, और वो वैसे ही खेल रहा है जैसे उसको न्यू खिलौना मिल गया, और उसके पास वैसा है ही नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो थैंक यू भोला, थैंक यू छोटिया। तो ये रहा सारा गिफ्ट, तो सबसे जो लास्ट गिफ्ट है और सबसे स्पेशल गिफ्ट है वो अभी बाकी है आप लोग को दिखाना, एक्चुअली लास्ट नहीं बोला जा सकता है, सबसे फर्स्ट, बट उसको वो ऑनलाइन आया है तो उसको काफ़ी जोड़ने में काफ़ी हम लोग को मेहनत लगा, तो घर में वो जुड़ा ही नहीं था, हम लोग को बाहर शॉप में वो जुड़वाना पड़ा। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ सबसे स्पेशल ने सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या दिया है, तो चलिए चलते हैं रूम और मैं दिखाती हूँ सबसे स्पेशल गिफ्ट क्रिस का, सबसे स्पेशल गिफ्ट क्रिस का। गाइस यही है सबसे प्यारा गिफ्ट जो बहुत प्यारे जगह ने दिया है, तो वो है चिंटू, थैंक यू चिंटू, ये वाला बहुत प्यारा लगा हम लोग को, बहुत प्यारा सा गिफ्ट है, और ये ना पार्ट पार्ट में आया था, तो ये सब हम लोगों ने जुड़वाया है,
तो ये काफी अच्छा है क्रीज इसमें बैठ के पढ़ने के लिए, और इसके आगे कम से कम 5-6 ईयर तक बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, तो ये बहुत यूजफुल गिफ्ट है। तो ये काफी अच्छा लगा क्रीज को, मुझे काफी अच्छा लगा। थैंक यू चिंटू। तो आप लोग देख सकते हो ये बहुत प्यारा सा ब्लू कलर का। सो गाइज, गिफ्ट का जो भी है सब खत्म होता है, ये लास्ट वन था। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग पे। आई होप कि ये ब्लॉग आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।